हेलीकॉप्टर हादसे से जुड़ी बड़ी खबर, क्रैश हेलीकॉप्टर का ब्लैक बॉक्स मिला। घटनास्थल पर फॉरेंसिक टीम मौके पर मौजूद। सीडीएस रावत के निधन पर अमेरिकी दूतावास ने जताया शोक। विपिन रावत अमेरिका के एक जिगरी दोस्त और भागीदार थे। रक्षा सहयोग में सीडीएस रावत ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, अमेरिका ने कहा। अमेरिका और भारतीय सेना में बढ़ा रक्षा सहयोग। सीडीएस रावत के निधन पर अमेरिका दूतावास और भागीदार थे। दोस्त और भागीदार बताया है, रक्षा सहयोग में सीडीएस रावत ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सीडीएस रावत के निधन पर अमेरिकी दूतावास ने जताया शोक। विपिन रावत अमेरिका के एक जिगरी दोस्त और सहयोगी बताए, रक्षा सहयोग में सीडीएस रावत ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, अमेरिकी और भारतीय सेना ने बढ़ाया रक्षा सहयोग। बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां ब्लैक बॉक्स मिल गया है क्रैश हेलीकॉप्टर का, फॉरेंसिक टीम भी मौके पर मौजूद है। आपको बता दें कि ब्लैक बॉक्स की अहम भूमिका होती है, जब भी कोई विमान क्रैश होता है तो तमाम जानकारी जितनी भी सेव होती है तो वो ब्लैक बॉक्स में ही होती है कि आखिर किस वजह से प्लेन क्रैश हुआ है, किस तरह से हुआ है और आखिरी सुबह जब क्रैश होने वाला था तो क्या कुछ बातचीत की गई, मदद की गुहार लगाई गई या क्या कुछ भी उस वक्त घटना घटित हुई है, तो तमाम जानकारी ब्लैक बॉक्स में सेव होती है। अगर कोई तकनीकी खराब है, खराबी की वजह से प्लेन क्रैश हुआ है तो ब्लैक बॉक्स में तमाम जानकारी सेव हो जाती है। और इतना मजबूत होता है ये ब्लैक बॉक्स की जब आग लगती है पूरा प्लेन क्रैश होकर मलबे में तब्दील हो जाता है, लेकिन ब्लैक बॉक्स सलामत रहता है और उसी की मदद से ये जानकारी मिल पाती है कि आखिर इस क्रैश के पीछे की वजह क्या थी। तो ब्लैक बॉक्स की अहम भूमिका होती है घटना किसी भी घटना में। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, चार जिलों के दौरे करेंगे सीएम योगी। बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोरखपुर के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी। बहराइच और श्रावस्ती में करेंगे स्थलीय निरीक्षण, बलरामपुर में योजनाओं का करेंगे निरीक्षण। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, चार जिलों के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी। बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोरखपुर के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी। बहराइच और श्रावस्ती में करेंगे स्थलीय निरीक्षण, बलरामपुर में योजनाओं का करेंगे निरीक्षण। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, सीएम योगी चार जिलों के दौरे पर रहेंगे। बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोरखपुर के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी। बहराइच और श्रावस्ती में स्थलीय निरीक्षण करेंगे। हरदोई में छात्रों ने लगाया मारपीट का आरोप, बड़ी खबर सामने आ रही है, अनीता देवी, एबी सिंह इंटर कॉलेज का मामला। स्कूल के प्रिंसिपल और टीचर पर लगाया आरोप, परीक्षा देने से पहले छात्र ने जमा किया था मोबाइल, मोबाइल मांगने पर प्रिंसिपल और टीचर ने छात्र को पीटा, पीड़ित ने कोतवाली में दर्ज कराई शिकायत। हरदोई में छात्र ने लगाया मारपीट का आरोप, अनीता देवी, एबी सिंह इंटर कॉलेज का मामला। हेलीकॉप्टर हादसे में बड़ी खबर सामने आ रही है, क्रैश हेलीकॉप्टर का ब्लैक बॉक्स मिला, घटना स्थल पर फॉरेंसिक टीम मौके पर मौजूद। कन्नूर में हेलीकॉप्टर हादसे से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है, क्रैश हेलीकॉप्टर का ब्लैक बॉक्स बरामद हुआ। इस खबर पर हमारे ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता गौरव जुड़ चुके। गौरव, ब्लैक बॉक्स मिला है, ये कितना अहम होता है किसी भी प्लेन क्रैश में? बिल्कुल, ब्लैक बॉक्स की भूमिका हमेशा से अहम रही है, चाहे वो प्लेन क्रैश हो, चाहे वो वायुयान हो या फाइटर प्लेन हो या फिर किसी भी क्या का वायु उपकरण हो जो कि उड़ने की क्षमता रखता है, पैराशूट से लेके तमाम ऐसी चीजें हैं, डिवाइस है। हालांकि पैराशूट पैराशूट नहीं होता है, उसमें भी ऐसी डिवाइस होती है जिससे हम उसके दुर्घटना के ग्रस्त होने का पता लगा सकते हैं। इसके साथ ही साथ जो हेलीकॉप्टर का जो ब्लैक बॉक्स मिल गया है, M117V5 जो हेलीकॉप्टर था, उसका ये नाम था, उसका ब्लैक बॉक्स मिल गया। निश्चित तौर पर ब्लैक बॉक्स मिलने के बाद से जो तकनीकी खामियां जिसके कारण हेलीकॉप्टर जो है वो क्रैश हुआ है, पीडीएस विपिन रावत का, इसमें इसकी
जो महत्वपूर्ण जो कड़ी है निश्चित रूप से उसकी जानकारी मिलने पूरा पूरा प्रयास किया जाएगा, और निश्चित रूप से जानकारियां जो तकनीकी खामे से संबंधित, चाहे वो क्रैश से संबंधित हो, चाहे दुर्घटना में आग लगने से संबंधित हो, या तमाम जो भी वायुसेना से जो भी आपका विमान होता है, हेलीकॉप्टर, तमाम उनकी तमाम जानकारी ब्लैक बॉक्स के माध्यम से मिलती है। और अहम कड़ी है निश्चित रूप से ब्लैक बॉक्स को घटनास्थल से खोजा रहा था, और चूंकि ब्लैक बॉक्स ऐसी आपकी तकनीकी होती है जो निश्चित रूप से कोई भी दुर्घटना होती है हमेशा दुर्घटना में वो सुरक्षित मिल जाती है, क्योंकि पूरी तरह लोहे का और तमाम चीजों का बना होता है। मेरे ख्याल से उसकी जो धातु है वो इस प्रकार की होती है तो किसी भी क्रैश या दुर्घटना या जलने में वो दुर्घटना वो सुरक्षित बचा होता है। उससे तमाम चीजें जानकारी मिल जाती है कि किस तरह से वायुसेना का जो विमान था, जो हेलीकॉप्टर था, वो दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता गौरव जुड़े थे। बड़ी खबर सामने आ रही है, जो क्रैश हेलीकॉप्टर का ब्लैक बॉक्स मिल गया, जो कि एक अहम कड़ी है। और आपको बता दें कि राजनाथ सिंह का बयान भी सामने आया, रक्षा मंत्री का, जो उन्होंने लोकसभा में पूरी जानकारी दी है, बताया है कि अब आगे की कार्रवाई की जाएगी और पूरी कोशिश की जा रही है। जो इस वक्त सेना अधिकारी जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं, उनका अच्छे से अच्छा इलाज कराने की, उनको बचाने की पूरी कोशिश की जा रही है। और साथ ही जितने भी सेना के अधिकारी इस विमान में विमान क्रैश होने में जिनकी मृत्यु हो गई है, उन्हें पूरे मिलिट्री सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जाएगी, अंतिम संस्कार किया जाएगा। और इस ब्लैक बॉक्स से जुड़ी बात भी सामने आ रही है कि अब जो जांच के आदेश दिए गए थे उसमें एक नया रुख आएगा, ये नई अहम कड़ी बनेगी, जिसकी वजह से पता चलेगा कि आखिर क्या वजह थी जिसकी वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ। क्योंकि जो भी वीवीआईपी होते हैं, वो चाहे प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, रक्षा मंत्री हो, तो उनकी जो सुरक्षा व्यवस्था होती है और कहीं भी अगर उनको किसी दौरे पर जाना होता है तो अहम विमान का चयन किया जाता है और उसमें पूरी टीम मौजूद होती है। और जिस तरह से जो पायलट होते हैं वो काफी अनुभवी होते हैं ताकि इन सब घटनाओं से बचा जा सके, तो इन सब चीजों के बाद भी, पूरी तैयारी के बावजूद भी अगर ये दुर्घटना होती है तो इसके पीछे की वजह का पता लगाना काफी अहम हो जाता है। और इसी का पता लगाने के लिए अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जो निर्देश दिया हुआ है, और अब ब्लैक बॉक्स की मदद से उसका जल्द से जल्द पता चलेगा कि आखिर किस वजह से, तकनीकी वजह से या फिर किस भी वजह से यह हादसा हुआ है।